मुझे ऐसी प्रॉब्लम पिछले 2 सालों से, कल मेरी सर्जरी हुई है और कल ही मैं घूमने फिरने लगा, खाने लगा, खाने में मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और आज मैं बहुत अच्छे से घूम फिर रहा हूँ, उठ बैठ गया हूँ। मेरे ऑपरेशन को 5-6 महीने हो चुके हैं और मुझे ऑपरेशन में किसी प्रकार का खाने पीने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है और ऑपरेशन में मैंने किसी प्रकार की एसिडिक दवाइयाँ नहीं ली है। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है, बालाघाट जिला देव बालाघाट जिला बालाघाट से आया हूँ और मध्य प्रदेश से आया हूँ और मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी पिछले 2 सालों से, तो डॉक्टर चिराग शेट्टी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आपके 2 टेस्ट किए जाएंगे पीएच स्केल का, जिससे पता चलेगा कि आपके खाना खाने की नली में कितना एसिड आ रहा है और उसके बाद वो तो अभी मुझे टेस्ट किया गया है और फिर नाक से पेट में नली डालेगी, इससे पता चला कि चलेगा कि मुझे कितना एसिड आ रहा है, इससे मुझे किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं अच्छे से खा पी सका और घूम फिर सका और सो पाया हूँ। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आया हूँ। मैं पिछले 2 सालों से ऐसे एक्सप्रेस की पढ़ाई से परेशान था, तो मुझे यूट्यूब में डॉक्टर चिराग ठक्कर के बारे में पता चला, तो मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर चिराग ठक्कर के पास अहमदाबाद आया। यहाँ पर मेरी पीएच स्केल की जाँच की गई, उसमें पता चला कि मुझे एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ ही साथ मुझे हर्निया भी, हाटिया सर्निया हो गया, तो सर द्वारा मुझे सजेस्ट सलाह दी गई कि आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए सर्जरी, उससे आपको पूरा ही फायदा मिलेगा। तो मैं कल मेरी सर्जरी हुई है, उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, किसी प्रकार का जलन दर्द नहीं हो रहा है, मैं चल फिर पा रहा हूँ, खाना खा पा रहा हूँ और आज मेरी छुट्टी भी हो जाएगी। मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मैंने मुझे नया जीवन दिया। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से आया हूँ। मुझे एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम थी, तो मैंने डॉक्टर चिराग से संपर्क किया, तो उन्होंने द्वारा मुझे कुछ रिपोर्ट्स पहले जो जांच कराई थी वो दिखाया गया, तो रिपोर्ट्स के बाद मेरे को बताया गया कि आपको एक बार चेकअप के लिए अहमदाबाद आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी कुछ जाँच हुई, जैसे पीएचएमआर का टेस्ट किया गया, तो मेरे गले में एसिड रिफ्लेक्स कुछ ज़्यादा मात्रा में आ रहा था, तो सर द्वारा कहा गया कि आपको हर्निया भी हो चुका है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन में 100% स्वस्थ हो जाऊंगे। फिर मेरे द्वारा ऑपरेशन कराया गया, आज मेरा ऑपरेशन 6 जुलाई 2022 को हुआ, आज 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आज मैं फाइनली चेकअप के लिए आया हूँ। तो डॉक्टर ने मुझसे ऑपरेशन के बाद पूरी दवाइयाँ बंद कर दिया गया है और ऑपरेशन में मैंने किसी भी प्रकार की एंटासिड दवाइयाँ नहीं ली है और मैं खाना पीने में सब कुछ खा पा रहा हूँ, मुझे खाने पीने किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं है और मैं अपने फाइनली पूरे काम अच्छी तरह से, जैसे पहले आम व्यक्ति की तरह करता था, वैसे ही ऑपरेशन के बाद भी आम व्यक्ति की तरह कर रहा हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति को या तो पेट का हर्निया ऐसे रिफ्लेक्स हो गया हो तो डॉक्टर श्री चिराग ठक्कर से संपर्क करें, अहमदाबाद राज्य गुजरात में, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू।